गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के साथ हुए बर्बर व्यवहार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्नदाताओं से आतंकियों जैसा सलूक किया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता इसका माकूल जवाब बीजेपी को देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के स्वर्ण जयंती समारोह में बड़ा खर्च करने के बाद भी अमित शाह नहीं आए, इनके पास हिमाचल के लिए समय नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों पर लाठी चार्ज एक शर्मनाक घटना है जो केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के पास हिमाचल के लोगों के लिए 10 मिनट का समय भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने प्रदेश के लोगों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे लेकिन अमित शाह कार्यक्रम में नहीं आए। कि आज गणतंत्र दिवस है, इस दिवस के लिए हमने बहुत सारा बलिदान दिया। 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज देश का संविधान लागू हुआ, इसका श्रेय जहां बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है, उन्होंने संविधान का निर्माण किया। आज उसी संविधान की, उसी लोकतंत्र की धज्जियां ये सरकार उड़ा रही है और जिस ढंग से किसानों के साथ बर्ताव हो रहा है वो निंदनीय है। आज जो हालात बने, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? अगर आप बार बार आप किसानों से बात कर रहे हो लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि आपकी मंशा साफ है, आप किसानों की मांग नहीं मानना चाहते हो। आप पूरी तरह से जो पूंजीपति है आप उनकी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हो, मजबूरन किसानों को जो है आज ट्रैक्टर मार्च करना पड़ा। और हैरानी की बात है, जिस ढंग से किसानों पे अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, ये बिल्कुल निंदनीय है। मोदी साहब ने तो जो है हिंदू को मुसलमानों से लड़ाया, एक टकराव पैदा किया इस देश में। आज किसानों को आप जवानों से लड़ा रहे हो, आज जो किसानों के बेटे हैं वही तो पुलिस में, वही तो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, आज आप बाप और बेटे को आपस में लड़ा रहे हो। तो ये जो निंदनीय कृत्य है इसे बंद कीजिए। आज भी वक्त है, समय आ गया है कि आप जो किसानों की जो मांगे हैं आप उन मांगों को मानिए और इस कानून को, जो ये काला कानून आप इस देश में लाएं, ऐसे कानून 1947 से पहले आते थे जब इस देश में जो ब्रिटिशर्स थे उनका राज था। आप इस काले कानून को वापस लें ताकि देश में जो शांति हो और किसान जो है आराम से अपने खेत में जाके काम करे। अन्नदाताओं के साथ जिस ढंग से आप व्यवहार कर रहे हो इसको इस देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। ना कहीं जिस ढंग से इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च किया गया वो लगता नहीं था कि ये हिमाचल का आयोजन है। जो बड़े बड़े कटआउट्स थे वो कटआउट्स तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के थे, अमित शाह के थे, जेपी नड्डा के थे, मुख्यमंत्री के थे। चलो मुख्यमंत्री के तो जायज़ हैं, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने पूरे कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया वो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित शाह जी का बहुत प्रचार प्रसार किया गया कि वो इस कार्यक्रम में आने वाले, वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। और जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मंच से ये कहना कि वो इतने व्यस्त हैं कि वो वर्चुअल माध्यम से भी जो है बात नहीं कर सकते, मुझे बहुत हैरानी है। क्या अमित शाह जी के पास 10 मिनट का समय नहीं था कि वो इतने बड़े आयोजन में जिसमें हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, हर आदमी इस सेलिब्रेशन में शामिल था, क्या उन्होंने ग्वारा नहीं समझा कि वो 10 मिनट का समय हिमाचल के लिए जो है देते? निश्चित रूप से जो है हिमाचल के लोगों का जो है अपमान है। और जगत प्रकाश नड्डा जी ने मंच से एक बार भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम नहीं लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बदौलत ये राज्य जो है हमें पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला, लेकिन उनका कहीं नाम तक नहीं लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो छोटी मानसिकता है, जो संकीर्ण मानसिकता है, वो इसे उजागर होती है। और नड्डा जी को चाहिए था जब उन्होंने और मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, हम मानते हैं कि हर मुख्यमंत्री ने अपने समय में कुछ ना कुछ हिमाचल के लिए योगदान दिया है, चाहे वो इनके समय रहे। हमारे मुख्यमंत्रियों ने तो बहुत ज़्यादा योगदान दिया, लेकिन इंदिरा जी का नाम ना लेना जो है मैं समझता हूँ एक ऐसी नेता का अपमान है जिस नेता ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण
जो है निछावर किए हों, हम जो है इनकी पूरी निंदा करते हैं इस कृत्य के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे के जो इनके कार्यक्रम है कि हम 50 साल का रोड मैप बनाने वाले हैं, तो मैं जयराम जी को कहना चाहता हूँ कि आपका 3 वर्ष का शासन हिमाचल की जनता ने देख लिया है, अब आप 2 वर्ष जो आपके बच्चे हैं उसका रोड मैप जो है बनाइए। हम कह रहे हैं कि हम बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, उसमें मोदी साहब भी आएंगे, ये फजूल खर्ची रोके। आप ऋण लेके तो सरकार चला रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप फजूल खर्ची कर रहे हो, इतना आप इन कार्यक्रमों में आप पैसा खर्च कर रहे हो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो आप कर्जा ले रहे हैं ये आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको चुकाना पड़ेगा। तो आप अपना जो ध्यान है वो 2 साल जो आपके बच्चे हैं, जो एक एक दिन हिमाचल प्रदेश की जनता को भारी पड़ रहा है, आप ध्यान जो है इन 2 वर्षों में हिमाचल के विकास की तरफ लगाएं। देखिए हमें तो उम्मीद थी, हमने तो बात भी कही, हमने तो मांग भी की कि अमित शाह जी आ रहे हैं, कोई पैकेज दें हिमाचल के लिए, उसके लिए तो कोई बात नहीं आई। आज अखबारों में बयान आया है, अनुराग ठाकुर जी कहते हैं और नड्डा जी कहते हैं कि हम हिमाचल की लड़ाई लड़ेंगे। आप किससे लड़ेंगे? आप तो खुद सरकार में, आप अपने आप से लड़ाई लड़ेंगे? ये बेतुके बयान जो है मेरी समझ में नहीं आ रहे। आप ये कहते कि हिमाचल का हक जो है वो मिलेगा क्योंकि आप तो खुद सरकार में, तो ये कहना कि हम हिमाचल की लड़ाई लड़ेंगे, ये जो इनकी विरोधाभास वाले बयान है ये मेरी समझ से परे है।